तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर हेल्प प्लान। फ्रेंड्स आज के ऑडियो में बात करने वाले हैं समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी का फॉर्म निकल चुका है समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी के वेबसाइट पे। जो बंदे लोग इंटरेस्टेड हो फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी के अंदर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स होता है, ग्रेजुएशन इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स होता है, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स होता है, या फिर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स होता है, और ईटीओ कोर्स होता है, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर का कोर्स होता है, ठीक है। ये कोर्स ज्यादातर फेमस है बीटेक मरीन कोर्स को लेके और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस को लेके। फ्रेंड्स इस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट बता दो, इस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट ठीक ठाक नहीं है, इस कॉलेज में वेटिंग पीरियड बहुत ही ज्यादा है, जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आजकल के मार्केट कंडीशन के हिसाब से, जो मेरे को वहाँ के जो बंदे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उन्होंने मेरे को बताया। और दूसरा प्रॉब्लम नेटवर्किंग प्रॉब्लम, यानी कि नेटवर्क आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि समुद्र मैरिटाइम स्टडी जो है वो बहुत ही साइड लगा है बना हुआ है। है तो बहुत बड़ा कॉलेज कैंपस लेकिन बहुत ही साइड लगा है बना हुआ, इस वजह से नेटवर्किंग वहाँ पे जैमर शायद लगा रहा था। एक बंदे ने मेरे को कहा कि सर यहाँ पे शायद जैमर लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कॉलेज बहुत ही अंदर है बना हुआ, कॉलेज के कैंपस तो बहुत बड़े हैं, कॉलेज की फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, हॉस्टल वगैरह सब कुछ कॉलेज का ठीक है, लेकिन कॉलेज के जो प्लेसमेंट है, कॉलेज का स्पॉन्सरशिप भी मिल जाता है जो कोर्स होते हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस वगैरह के लिए, शॉर्ट टर्म के कोर्स के लिए, लेकिन यहाँ प्लेसमेंट में वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब 1 से 1.5 साल तक वेटिंग पीरियड चला जाता है इस कॉलेज के अंदर में, ठीक है, यहाँ वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा, इस वजह से बंदे लोग इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते। इसको आप लोग लास्ट ऑप्शन रख सकते हो, अदरवाइज आप जा सकते हो, बट लास्ट ऑप्शन इसको रखो क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट लोग ने मेरे को बताया कि सर यहाँ वेटिंग पीरियड बहुत ही ज़्यादा है तो जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ इसकी कंपनी खुद ही कंपनी है, समुद्र इंस्टीट्यूट की खुद ही कंपनी एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, वही इसको स्पॉन्सर करती है, वही इसको जॉब देती है इसके बंदे लोग को। एंड तो यहाँ पे एक डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए क्या है कि वो एक बाहर से कंपनी भी आती है, ब्रिटिश टाइप की कंपनी है, तो वो भी लोग इसको बंदे लोग को स्पॉन्सर कर देती है, लास्ट में बोलो भी बंदे लोग को ले लेती है, लेकिन जो बीटेक वाले बंदे लोग होते हैं उस लोग के लिए तो बहुत ही दिक्कत हुआ है। प्लेसमेंट तो है, प्लेसमेंट ऐसा नहीं कह सकता प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट है लेकिन वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, वेटिंग पीरियड 1 से 2 साल तक चला जाता है वेटिंग पीरियड। प्लेसमेंट तो मिल जाएगा हर बंदे लोग को, यहाँ से जो भी बंदे लोग पढ़ेंगे उसको जॉब तो मिलना ही मिला है। फ्रेंड्स समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी में मैंने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी इसी एक वीडियो में, तो ठीक है। तो इस वीडियो में ज़्यादा बताऊंगा नहीं कि कौन कौन सी कोर्सेज होते हैं, उसकी फी कितनी है, इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या, सारा का सारा डिटेल मैं उस वीडियो में डाल चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को मैं यहाँ पे पिंक कर दूंगा, आप जाकर इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने उससे सारा का सारा डिटेल मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी उस वीडियो के अंदर में। तो वीडियो जिस लोग को नहीं वीडियो जो लोग नहीं देखा आप लोग ग्रुप में शेयर कर दो।